फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है सभी दर्शकों का। शानदार मुकाबला चल कुछ ही समय में शुरू होगा बिहार बनाम गोवा के बीच, और यहाँ पे बिहार की टीम वार्म अप करती हुई और गोवा की टीम वार्म अप करती हुई, वाइट कलर की जर्सी में गोवा की बिहार की टीम और ब्लू कलर की जर्सी में गोवा की टीम। आपको बता दें कि दो मुकाबलों इन्होंने लगातार एक तरफा मार्जिन के साथ जीता है और ये संभवतः तीसरा मुकाबला हो सकता है बिहार का, और जो भी टीम मुकाबला जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी प्री क्वार्टर के लिए जो कि कल खेला जाएगा। बिहार में एक काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि आप देखिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जैसे कि लेफ्ट कॉर्नर के रूप में खुशी, राइट कॉर्नर के रूप में मनी, कवर के रूप में प्रतिभा और तमाम, और स्टार रेजर ऑफ शिवानी, बिल्कुल पूजा की तरह रेज करते हुए शिवानी। और यहाँ पे ऑफिशियल का अनाउंसमेंट, दोनों ही खिलाड़ी को लाइनअप कर दिया गया है लॉबी अटैक लाइन के ऊपर। तो कुछ ही समय में खिलाड़ी हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और परिचय प्राप्त करेंगे। शानदार मुकाबला रहा इससे पहले का, और ये मुकाबला की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथी कमेंटेटर हैं कुलदीप और मैं हूँ विवेक। तो आप जितने भी दर्शक हैं सब लाइव में जुड़ जाए, और इस 33वां सब जूनियर नेशनल का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना से। और एक तरफ कोच है बिहार के कोच अविनाश कुमार सिंह, और दोनों ही टीम तालियों से। और एक तरफ है कप्तान, टॉस का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। एक तरफ कप्तान है खुशी कुमारी और एक तरफ है गोवा की कप्तान, और टॉस का प्रक्रिया चलता हुआ क्या कुछ होता है। बिल्कुल खुशी ने अब तक टॉस लगातार जीता है, और क्या जीती, और इसी के साथ बिहार ने टॉस जीत लिया है और चॉइस कोर्ट किया है, और संभवतः पहली रेक देखने को मिलेगी गोवा की तरफ से। क्या गोवा पहली रेक करेगी गोवा की तरफ से, कौन से रेजर करेंगे, लेफ्ट रेजर या राइट रेजर, ये देखना होगा। इसके बाद और कितना मैच है? और यहाँ पे बिहार के खिलाड़ी वार्म अप होते हुए, और एक तरफ खिलाड़ियों पे रुख करते हैं बिहार के खिलाड़ी। जर्सी नंबर एक खुशी, जर्सी नंबर टू शिवानी, जर्सी नंबर थ्री श्रेया, जर्सी नंबर चार प्रतिभा, जर्सी नंबर पाँच सालू, जर्सी नंबर छः अनुष्का, जर्सी नंबर सात दिव्यांशी, जर्सी नंबर आठ नाव्या, जर्सी नंबर नाइन मनी, जर्सी नंबर टेन रेखा, और जर्सी नंबर 11 आदिति कुमारी, जर्सी नंबर 12 सपना। ये तो रहा बिहार का स्क्वाड, कोच अभिनव कुमार सिंह। और यहाँ पे गोवा की तरफ रुख करते हैं, तो एक तरफ है पायल, रिया, रुद्रा, श्रुति, सृष्टि, गंगा, नीलम, सरिता, रानी, तन्नु, और इसके कोच है मनोज कुमार। और फिर से पहली रेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और दो नंबर की जर्सी में रिया ने अपने ऊपर रेज का जिम्मा लिया है बिहार के खेमे में। बिहार का डिफेंस काफ़ी संतुलित तमाम मुकाबलों में एक तरफा लीड करती हुई, उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी वैसे ही खेलेगी। और क्या कुछ होता है इस मैच का परिणाम वो फुल टाइम के बाद देखा जाएगा, और संभवतः खाली रेज करने का प्रयास गोवा के तरफ। और ये चले हैं जर्सी नंबर 8, नाम है नाव्या, क्या कुछ कमाल करते हैं इस रेज में, काफ़ी लंबे कदकाठी के रेडर, बिल्कुल पहले रेड लेके चल पड़े हैं। और हम अपनी साथी कमेंटेटर जो हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं कुलदीप जी, उनसे बात कर रहे हैं कि बिहार पिछले कुछ मैच में कैसा प्रदर्शन की है, और गोवा भी अच्छा प्रदर्शन करके आ रही है, दोनों ही टीम मुकाबले की है, तो क्या कुछ हो सकता है इस मैच में। जी मैं बताऊँ तो बिहार का जो आज ही हम अभी शुरुआती मैच देखे हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा, वो जीत हासिल किए हैं।
और जीत हासिल करके आए हैं पिछला मैच। और वही बात करें अगर हम गोवा की, तो गोवा को भी हम कम नहीं समझ सकते हैं। उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, पिछला मैच है वो जीत करके आ रही है, दोनों ही मैच दोनों ही टीम जो है वो पिछला मैच जीत करके आ रही है। तो ये टक्कर का मैच हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहेगा। और यहाँ 10 नंबर के खिलाड़ी जो गोवा के हैं उन पे आप ज़रा नज़र रखिएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही मेन खिलाड़ी गोवा के हैं, वो मेन रेडर के रूप में हैं। और बहुत ही पिछला अगर इनका मैच के बारे में बताएं तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अंक प्राप्त किया था और एक तरफा लीड लेकर के अपनी टीम को जिताने का काम किया था। नाम है सरिता। तो याद रखिएगा। और वही बात करें यहाँ स्कोर की, तो स्कोर आप देख सकते हैं 1-4 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे गोवा जो है वो अभी लीड में है, यहाँ पे 4 अंक लेकर बैठी हुई है। वही बिहार जो है 1 अंक लेकर के अभी अपना खाता खोल चुकी है। और यहाँ बहुत ही अच्छा डाइव 4 नंबर के तरफ से देखने को मिला, प्रतिभा जो है वो अपना प्रतिभा दिखाते हुए क्या डाइव दिखाई है, बहुत ही अच्छा स्किल यहाँ पे देखने को मिला। और 1 अंक और बिहार को मिलते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड करने के लिए कौन गए हैं, बिहार के खिलाड़ी, लेकिन उनको पकड़ लिया गया गोवा के खिलाड़ी के द्वारा, उनको अंक लेने नहीं दिया गया और आसानी से अपना शिकार बनाते हुए 1 अंक हासिल किए। वही गोवा के 1 नंबर के खिलाड़ी पायल जो कि कप्तान है अपनी टीम के, वो रेड करने के लिए गए हैं। 4 का डिफेंस यहाँ बना हुआ है, अंक लेना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या उनके लिए यह मुश्किल होगा, क्या उनके लिए वो मुश्किल होगा, अंक ले पाएंगे? जी बिल्कुल मुश्किल तो होगा, लेकिन यहाँ पे शानदार 2 पॉइंट स्कोर किया हुआ। और बिहार टीम इस मुकाबले में बिखरती हुई, जो टीम पिछले कई मुकाबलों से काफ़ी एक तरफा मार्जिन के साथ लीड करती हुई और गोवा टीम के खिलाफ बिखरती हुई, काफ़ी ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई बिहार टीम की डिफेंस। अगर बिहार के अभी कुछ ही समय का खेल स्टार्ट हुआ है, बिहार के पास वापसी का अच्छा मौका है। और यहाँ पे क्या, नाव्या ने एक शानदार टच किया है और जर्सी नंबर 10 जो कि अच्छे रेजर है गोवा के, उनको बेंच का रास्ता दिखाया। और यहाँ पे आप सभी दर्शकों को बता दें कि सुपर टैकल में 1 पॉइंट टैकल के दी जाती है और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 का डिफेंस ऑन है, क्या कुछ कमाल करते हैं जर्सी नंबर 2, नाम है रिया, अपने ऊपर जिम्मा लेके चलिए और संभवतः खाली रेज करने का प्रयास रहेगा, बिल्कुल खाली रेज। और फिर से चली है रेज में, रेज की जिम्मा लेके नाव्या गोवा के खेमे में, काफ़ी लंबे कदकाठी के रेजर है, बोनस लेने में आसानी हो सकती है, लेकिन गोवा का डिफेंस काफ़ी मजबूत, बिल्कुल अटैकिंग मूड में खेलते हुए। और यहाँ पे ऑल आउट का भी खतरा मंडराता हुआ बिहार के ऊपर। और यहाँ पे क्या एडवांस ब्लॉक, क्या सुपर एक, बिल्कुल शानदार ब्लॉक राइट कॉर्नर के द्वारा, पूरा डिफेंस टूट पड़ा रेजर के ऊपर और धर दबोचा गोवा बिहार के रेजर को। और इसी के साथ स्कोर की तरफ रुख करते हैं, तो बिहार 3-8 गोवा। और ये है जर्सी नंबर 2, नाम है रिया, जो कि रेज के जिम्मा लेके निकल पड़ी है और काफ़ी फुर्ती के साथ राइट कॉर्नर को शिकार बनाया और पवेलियन का रास्ता, बेंच का रास्ता दिखाया। और ये संभवतः आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग बच चुकी है बिहार की, खुशी कप्तान, और कप्तान के ऊपर जिम्मा होगा क्या इस मुकाबले में बिहार को ऑल आउट से बचा पाएगी या ऑल आउट हो जाएगी बिहार, ये देखना होगा। क्योंकि पिछले कुछ मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती के साथ टैकल कर लिया गया खुशी का गोवा के डिफेंस के द्वारा, क्या दहाड़ रही है गोवा के डिफेंस। और इसी के साथ ऑल आउट, स्कोर है 4-12, बिल्कुल 8 पॉइंट से लीड करती हुई गोवा की टीम। और यहाँ पे 7 का डिफेंस ऑन है, बोनस ऑन है, क्या कुछ कमाल करते जर्सी नंबर 10, बिल्कुल बोनस का प्रयास है, क्या बोनस है या नहीं, बिल्कुल बोनस को खारिज कर दिया गया है अंपायर के द्वारा। और एक बार फिर से रेज का जिम्बा लेके निकल पड़ी है जर्सी नंबर 5, नाम है सालू राइट रेजर, और यहाँ पे गलती करवा बैठी राइट कॉर्नर से, साइड चेंज करने का प्रयास और सफल है बिल्कुल। और बिहार का स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुँचा है 5-12, अभी भी फर्स्ट हाफ का खेल चलता हुआ है, बिहार इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, तो उनको अनावश्यक टैकल करने से बचना होगा और रेडिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा काम करना होगा। और ये क्या, बिहार के स्टार रेजर को टारगेट बनाया और बेंच का रास्ता दिखाया गोवा के रेजर ने, शिवानी कुमारी
जो काफ़ी अच्छे रेडर है और पिछले मुकाबले में उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट किया, सुपर 10 लगाया था उन्होंने पिछले मुकाबले में। और यहाँ पे सालू ने अपना जादू दिखाते हुए, नाम है सालू, और अपना जादू से पॉइंट अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। और फिर से रेज पे एक बार कमाल संभाली हुई जर्सी नंबर 2 रिया, और अभी भी स्कोर कार्ड पे नज़र डाले तो अभी भी वापसी करने का चांस है क्योंकि फर्स्ट हाफ का खेल चलता हुआ। और यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है कुछ तकनीकी के कारण। तो आपका क्या कहना है कि बिहार, जो बिहार को हम लोग सोचे थे कि काफ़ी अच्छा मुकाबला चलेगा और काफ़ी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, लेकिन इस मुकाबले में बिहार काफ़ी बिखरती हुई ताश की पत्तों की तरह, जो कि पिछले कई मुकाबलों में हमने देखा था कि इन्होंने काफ़ी एक तरफा मुकाबला जीता था। तो उम्मीद था कि गोवा से कम एक तरफा नहीं तो टक्कर का मुकाबला चलेगा, लेकिन इतना स्कोर मार्जिन के साथ बिहार बिछड़ती हुई इस मुकाबले में। आपका क्या कहना है कुलदीप जी? जी, ये मैच जो है बहुत ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है। यहाँ पर बिहार जो है पिछला मैच एक तरफा जीत करके आ रही है, लेकिन गोवा को भी हम कम नहीं समझ सकते, बहुत ही मजबूत टीम है ये। तो भले आप एक तरफा जीत करके आ रही हो वो मैटर नहीं लगता, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको कठिन टीम्स मिलते जाएंगे, तो उनके साथ मैच भी बहुत ही कठिन होगा। जैसे बिहार के पास अगर अब बात किया जाए, खुशी, शिवानी, सालू जैसे खिलाड़ी हैं जो मल्टी रेट पॉइंट्स ला रहे हैं, अपनी टीम के लिए पॉइंट दे रहे हैं। वैसे ही गोवा में भी आप नज़र रखिएगा, सरिता जैसे रेडर यहाँ गोवा में आपको मौजूद है जो रेट ला रहे हैं, मल्टी रेट पॉइंट्स ला रहे हैं। साथ ही साथ सरवानी जैसे डिफेंडर्स हैं जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बात किया जाए कल के लिए, तो कल जो था सरवानी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। और यहाँ पे एक नंबर के जर्सी में खुशी, जो कि माफ़ कीजिएगा पायल, जो कि कप्तान है अपनी टीम के, एक अंक फिर से प्राप्त किए अपने टीम के लिए। और यहाँ पे स्कोर जो है देख सकते हैं 6-14 का स्कोर। और यहाँ पे थर्ड रेड आ चुका है बिहार के लिए, 5 नंबर की जर्सी में जो है वो रेड कर रहे हैं सालू, लेकिन असफल रहे हैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ डिफेंस जो है ना गोवा का बहुत ही अच्छा है, बिहार का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन गोवा का डिफेंस मुझे यहाँ देखने को मिला बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वो दिखा रहे, डिफेंस में भी अंक ला रहे हैं। और रेड में तो है ही 10 नंबर के जर्सी के, क्या नाम है आपको पता है क्या? उनका नाम है सरिता, उन पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, मल्टी रेट पॉइंट करते हैं और स्किल उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा है, अलग अलग तरह के स्किल से वो रेड उठाते हैं। और यहाँ पे अभी चल रहा है 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप लाइव आपके लिए यहाँ पे टेलीकास्ट किया जा रहा है। यहाँ पे अभी स्कोर की बात किया जाए तो 6-15 का स्कोर है, यहाँ पे 9 अंकों का लीड बनाई हुई है गोवा, लीड को गंवाना नहीं चाह रही है गोवा, आराम से खेल रही है। और बहुत ही अच्छा, मैं बोल ही रहा था, आप जोड़ी 6 नंबर और 10 नंबर जर्सी गोवा में, 6 नंबर और 10 नंबर पे आप ध्यान रखिएगा, दोनों का जोड़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, एक रेडिंग डिपार्टमेंट में तो एक डिफेंस में बहुत ही मजबूती के साथ अंक प्राप्त कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और बाकी काम के लिए तो है ही कैप्टन पायल और रिया। देखिए जैसे मैं बोल ही रहा था, यहाँ पर रिया फिर से एक अंक प्राप्त कर लिया अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर गोवा के लिए, गोवा की तरफ से टाइम आउट देखा गया, क्या लगता है विवेक जी यहाँ पे फिर से लोना लग जाएगा क्या बिहार को? जी, अगर अच्छी गलतियों से बिहार टीम अगर नहीं सीखेगी तो लोना तो लगना तय है। और इनको रेडिंग में शिवानी, जो कि अब तक नहीं चली है, स्टार रेडर ऑफ बिहार, जो कि पिछले मुकाबले में 15 पॉइंट अर्जित किया अपने खाते में और अपनी टीम के लिए, जो कि इस मुकाबले में बिल्कुल खामोश रखा है गोवा के डिफेंडरों ने, शिवानी को बिल्कुल चलना ही नहीं दिया जा रहा है, उनको बिल्कुल बार बार बेंच पर बैठाने का कोशिश करते हुए। और बिहार का स्कोर आप देख सकते हैं, हमने सोचा था कि बिहार जो एक तरफा लीड कर रही थी पिछले कुछ मुकाबलों में, इस मुकाबले में वैसा ही सीन देखने को मिलेगा, कम से कम स्कोर की बराबरी होगी, काफ़ी टक्कर की मैच होगी दोनों के बीच। और यहाँ पर संभवतः सुपर एज होगी या आउट, बिल्कुल शिवानी को धर दबोचा गया, बिल्कुल वो लोग गोवा का डिफेंस जानते हैं कि कैसे इस मुकाबले को जीतना है, तो उनका रेडर को बाहर बैठाओ और डिफेंस को आउट करो।
यही उन्होंने रणनीति बनाई होगी। और यहाँ पे सुपर टैकल ऑन है और जर्सी नंबर 2 रिया अपने ऊपर कमान लेके चल चुकी है। और आप सभी दर्शक देख सकते हैं लाइव ये मैच, आपको बिहार बनाम गोवा का मैच देख सकते हैं। स्कोर कार्ड पे एक बार नज़र डाले तो 18 हो चुका है गोवा और 6 हो चुका है बिहार। तो हम बात करें ये जो मैच हो रही है पूल की मैच हो रही है, कौन सी टीम होगी विनर, कौन सी टीम होगी रनर, इसकी बात हो रही है। तो गोवा ने अब तक मैच खेला है दो मैच गोवा ने जीत लिया है और बिहार ने खेला है 2 मैच, तो बिहार ने दोनों मैच जीत लिया है। और बंगाल दोनों मैच हार चुकी है, केरला दोनों मैच हारी है। तो अगर संभवतः क्वालिफाई करेगी विनर और रनर का यहाँ पे लड़ाई होता हुआ, जो भी टीम विनर होगी उनको कमज़ोर टीम के साथ मुकाबला होगा और जो टीम विनर होगी उनको कमज़ोर टीम के साथ मुकाबला होगा और जो टीम रनर होगी उनको मजबूत टीम के साथ मुकाबला होगा। तो यही लड़ाई चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच में, लेकिन दोनों ही टीम क्वालिफाई करेगी गोवा और बिहार पूल जी से। तो अगर हारते भी है बिहार तो इनको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगले मैच में इनको काफ़ी अच्छा मुकाबला खेल और मुकाबला का परिचय देना होगा, क्योंकि इसके बाद की जो भी टीम होगी प्री क्वार्टर क्वार्टर सेमी फाइनल इसके बाद जो भी टीम होगी सब मजबूत टीम होगी, काफ़ी अच्छी टीम होगी जो कि प्रॉपर मैच जीते हैं, प्रॉपर वेल ट्रेन प्लेयर सब है, उनके साथ इन लोग का मैच होगा। तो यही देखना होगा। और स्कोर पे एक बार बात करें तो 22-6 काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ एक तरफा लीड करती हुई गोवा की टीम। तो हम अपनी साथी कमेंटेटर से एक बार पूछना चाहेंगे कि क्या इस मुकाबले में गोवा हार सकती है या नहीं, या बिहार वापसी कर सकती है या नहीं। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि शुरुआत से ही गोवा ने बहुत बड़ी लीड बना ली है यहाँ पे, और जितने भी मैं मैच आज का देखा हूँ जो लीड बना ली शुरू में वही मैच जीती है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि गोवा यहाँ पे मैच जीत सकती है। 6-22 का स्कोर है यहाँ पे, 16 अंकों का लीड बना हुआ है गोवा के पास। और यहाँ पे गलती जी जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ फिर से बिहार ने गलती किया। क्या यहाँ पे मल्टी रेट पॉइंट होगा, सुपर रेट देखने को हमें मिलेगा क्या? यहाँ पे गिनती की जा रही है 1, 2, 3 कितने अंक यहाँ पे मिलेंगे देखते हैं, सबर करते हैं। और मैं बता रहा था कि यहाँ पे गलती करते जा रही है बिहार की टीम। तो यहाँ पे किस तरह से मैं बता दूँ कि वो, और यहाँ पे 2 ही अंक मिले यहाँ पे गोवा को। और इसी के साथ 6-24 का स्कोर हुआ और बिहार की टीम बहुत गलती कर रही है। इस तरह से गलती अगर करते रही तो फिर उनका जीत पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो वैसे हारने का यहाँ तो कोई नुकसान नहीं है, वैसे दोनों क्वालिफाइड हैं यहाँ पे अगले राउंड के लिए, प्री क्वार्टर के लिए दोनों क्वालिफाइड हैं। लेकिन ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि जो भी इस मैच को अभी जीतेगा वो पूल विनर निकलेगा और अगला पुल्स का रनर के साथ लड़ेगा, और जो यहाँ का रनर निकलेगा वो अगला पुल्स के विनर के साथ लड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैच चलते हुए और 1 नंबर के जर्सी में गोवा के कैप्टन जो है पायल, वो रेड करते हुए। और अभी लेकिन समय वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, हाफ टाइम लगभग बचा हुआ है। और चाहेगी बिहार की टीम, ठान लेगी तो शायद कमबैक कर सकती है, लेकिन उसके लिए कोचेस को नया रणनीति बनाना होगा क्योंकि पुराने रणनीति काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेडर है वो रेडिंग डिपार्टमेंट में नहीं चल पा रहे, डिफेंडर जो है वो डिफेंडिंग डिपार्टमेंट में नहीं चल पा रहे हैं। अब वही गोवा की बात करें तो गोवा के बोथ डिपार्टमेंट जो है मजबूती से काम कर रहे हैं, अंक प्राप्त कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। जैसे कि यहाँ पे फिर देख सकते हैं 1 नंबर के जर्सी में जो पायल को अपना टीम के कैप्टन है वो अंक ला रहे हैं, अंक पे अंक लाते जा रहे हैं और अपने जो लीड है टीम की वो बनाई जा रही है। और यहाँ डिफेंड में देखिए, डिफेंस में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एडवांस टैकल था लेकिन यहाँ सफल हुआ। जी बिल्कुल, शानदार एडवांस टैकल था लेकिन सफल किया गया क्योंकि गोवा की टीम लीड में है। और जो जा क्या हुआ यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे रेडर को सेफ करार दिया गया जर्सी पुलिंग के कारण। कबड्डी के खेल में आप जर्सी पुलिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको आउट दे दिया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और जर्सी नंबर 2 को आउट दे दिया गया जो कि रिया नाम है, गोवा के रेडर है, उनके द्वारा एक टैकल करने का प्रयास था जो कि उनको आउट दे दिया गया। और यहाँ पे जर्सी नंबर 1 पायल जो कि कप्तान है गोवा की, वो इस रेड की जिम्मा लेके आई है, बोनस का प्रयास है, क्या बोनस है या नहीं। बिल्कुल बोनस लेने में कामयाब रही गोवा की टीम।
और इसी के साथ हाफ टाइम, अभी भी वापसी करने का चांस है बिहार के पास, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बिहार इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। मज स्टार रेजर जो शिवानी है उनको चलना होगा, उनको खामोश किया है गोवा के डिफेंस ने, और गोवा के जो स्टार रेजर है रिया वो काफ़ी कुछ कमाल की है इस मैच में, और पायल जो कप्तान है वो अपनी कप्तानी पारी निभाई है इस मुकाबले में। और स्कोर की तरफ एक बार रुख करते हैं तो स्कोर जा पहुँचा है बिहार 9-26, गोवा बिल्कुल 17 पॉइंट से लीड करती हुई गोवा टीम। क्या एक तरफा मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में। तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे बिहार के जो कोच है वो नया रणनीति बनाए होंगे कुछ अपनी टीम को कमबैक करने के लिए? जी बिल्कुल, कोच का यही रणनीति हुआ कि आप जितना कम से कम से समय में आप मल्टीपल्स पॉइंट्स लाए और डिफेंस में जो गलती हो रही है उसको सुधारे और गलती को दोबारा ना करे। जी जहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गोवा के जो डिफेंस हैं वो बहुत ही मजबूती से एडवांस टैकल कर रहे हैं, जो भी सफल भी हो रहा है वो पॉइंट उठा रहे हैं और रेडिंग डिपार्टमेंट भी उनका चल रहा है, लेकिन वहाँ बिहार का दोनों डिपार्टमेंट जो है वो शांत बैठा है, ऐसा क्या कारण है? बिल्कुल, गोवा के कोच ने ये बताया हुआ गोवा की टीम को कि उनकी जो रेडर है वो है शिवानी, उनको बैठाइए और इस मुकाबले को जीतिए, क्योंकि आप देख रहे थे कि दर्शक एरिना से बैठ के गोवा मैच देख रही थी बिहार की, बिहार का और मणिपुर का मैच चल रहा था, इससे पहले बिहार और किसी टीम का मैच चल रहा था, तो उस मुकाबले को गोवा ने देखा दर्शक एरिना से और सोचा कि इस रेजर को रोकेंगे तो मुकाबला में जीत सकते हैं, तो वही रणनीति पे इन्होंने काम किया और वो रेजर को बाहर का रास्ता दिखाया और बिहार टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई इस मुकाबले में। और कप्तान पिछले मुकाबले में हाई फाई लिए थे जिनका नाम है खुशी, जर्सी नंबर 1, और वो भी नहीं चल पाए इस मुकाबले में, और फिर से यहाँ पे सालू जर्सी नंबर 5 रेड के जिम्मा लेके निकल पड़ी। सेकेंड हाफ का खेल शुरुआत हो चुका है और क्या कुछ करती है, बिल्कुल टैकल करने का प्रयास, क्या शानदार टैकल जर्सी नंबर 3 के द्वारा, बेहतरीन टैकल। अब तो गोवा एडवांस भी टैकल करेगी तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर टैकल हो गया तो बोनस पॉइंट रहेगा उनके पास कि 1 पॉइंट मिलेगा, अगर चल गया तो 1 पॉइंट जाएगा, तो उनसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे रेज की जिम्मा लेके निकल चुकी है जर्सी नंबर 2, नाम है रिया, स्टार रेजर ऑफ गोवा, क्या लाजवाब प्रदर्शन है, कल की मैचों में इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अहम समय पे इन्होंने अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्जित किया है, रेड हो डिफेंस हो दोनों में ही। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बिहार अभी भी वापसी कर सकती है, अभी तो सेकेंड हाफ का खेल शुरुआत ही हुआ है। जी अभी 20 मिनट लगभग बचे हुए हैं और यहाँ पे स्कोर जो है 9-27 का स्कोर है, चाहे तो कम बैक कर सकते हैं लेकिन इनको मल्टी रेड्स पॉइंट करने होंगे, और यहाँ पे उनका डिफेंस भी शांत बैठा हुआ है, रेडर भी नहीं चल रहे। मैं जैसे कुछ समय पहले बोल रहा था उत्तराखंड के मैच में कि एक खिलाड़ी अगर चलते हैं तो टीम के लिए बहुत दिक्कत होता है आगे चल करके, क्योंकि आगे उन पर सारे टीम जो है वर्क करके आते हैं और उनको मैट से बाहर बैठाए रखते हैं बेंच पे, जिसके कारण से टीम पे थोड़ा प्रेशर बन जाता है, वो मैच लूज कर जाते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ बिहार के मैच में भी देखने को मिल रहा है, जो रेडर थे उनके ऊपर, जो मेन रेडर थे उन पे वर्क करके आए हैं गोवा के खिलाड़ी और उनको बेंच पे बैठाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे लोना लगा दे रहे हैं। और वही डिफेंस में बोले तो डिफेंस में नहीं चल पा रही है बिहार की टीम, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर आ गया है टीम के ऊपर, क्यों? क्योंकि यहाँ 20 अंकों का जो लीड बन गया है तो वो अब संभल के थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा टैकल करने से भी कतरा रहे हैं कि कहीं गलती ना हो जाए और लीड ना हो जाए, क्योंकि जब किसी टीम पे डिपेंड लीड हो जाती है तो उस पर थोड़ा प्रेशर बनता है उस लीड का। वही चीज़ अगर गोवा की तरफ देखें तो पॉजिटिव में उनके तरफ हो रहा है कि वो अब कहीं भी एडवांस टैकल भी कर रहे हैं तो उनको अंक मिल जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गलती हुआ हल्का सा कि 2 अंक जो है वो चुरा करके 2 नंबर के जर्सी रिया जो है वो अपने टीम के लिए ले गया और आखिरी 10 नंबर के जर्सी बिहार के खिलाड़ी जो हैं रेखा वो बची हुई है, क्या वो अपने टीम को रिवाइव करा पाएंगे या फिर ऑल आउट हो जाएंगे? ये दूसरी बार ऑल आउट हो गए यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे ऑल आउट करते हुए गोवा के खिलाड़ी और बोनस अंक लेकिन उन्होंने चुराया, लेकिन इस तरह से एक एक अंक चुराने से उनका काम नहीं चलने वाला है, उनको मल्टी रेट पॉइंट करनी होगी बिहार को तभी वो जीत पाएगी, या फिर आप गोवा के मेन रेडर को आप शांत करके रखें तभी आप जीत पाएंगे, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, अभी तो काफ़ी समय बाकी है, दूसरा हाफ का खेल शुरुआती हुआ है, तो बिहार वापसी कर सकती है, उनके पास मौका है,
लेकिन जो अनावश्यक टैकल जो है उनसे उनको बचना होगा और मल्टीपल्स रेड लाना होगा, और जो स्टार रेडर है इनकी शिवानी उनको चलना होगा इस मुकाबले में, और उनको चलना होगा शिवानी को इस मुकाबले में, तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे रेडिंग डिपार्टमेंट में चेंज हुआ है और यहाँ पे सालू को कंटिन्यू रेड करने दिया जा रहा है, क्योंकि गोवा के डिफेंस ने होमवर्क करके आए हैं शिवानी के ऊपर कि कैसे उनको टैकल करना है, और जब भी शिवानी रेड में आती है तभी उनको टैकल करके बेंच का रास्ता दिखाते हुए। और आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी है कि जो सब जूनियर की समाप्ति होगी 33वां सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप, जिसका समापन जो फाइनल होगा 3 तारीख को, उसी दिन समाप्ति होगी। तो फाइनल के दिन आ रही है 2 खिलाड़ी भारत के, आप गेस करके बता सकते हैं कौन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रियंका पिलानिया और पूजा, आप दोनों को ही देख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड एशिया चैंपियंस गोल्ड मेडल विनर चैंपियन दोनों ही आ रही है सब जूनियर के क्लोजिंग सेरेमनी में। तो और यहाँ पे शानदार रेड सपना के द्वारा जर्सी नंबर 12 2 पॉइंट अपने टीम के खाते में अर्जित किया, और यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन, कुछ खिलाड़ियों में परिवर्तन और नाविया को बाहर बैठाया गया। बिल्कुल, आप लोग दर्शकों को मैं बता दे, बिहार टीम के जो स्टार रेडर शिवानी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कोच के द्वारा, और रणनीति बनाते हुए बिहार टीम की कम मार्जिन से हारे, क्योंकि उनके लिए खोने और पाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो इस मुकाबले को हारती है तब पर भी वो आगे के मुकाबले के लिए क्वालिफाई करती है, और जीतती है तब पर भी क्वालिफाई करती है। अगर वो इस मुकाबले को जीतती है तो सामने वाली जो भी टीम होगी वो विनर रनर होगी, और अगर हारती है तो उनको विनर के साथ खेलना होगा मुकाबला, जो कि कल खेला जाएगा। प्री क्वार्टर्स का सारा मुकाबला लाइव आप इसी चैनल पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं, और यहाँ पर समय व्यतीत करने का प्रयास रहेगा रिया के द्वारा, जर्सी नंबर 2 गोवा के स्टार रेडर, नजरें इनके पे बनाए रखिएगा। और कंटिन्यूसली सालू जर्सी नंबर 5 कंटिन्यूसली रेड करते हुए, और यहाँ पे 5 का डिफेंस ऑन है और बोनस ऑफ है, क्या कुछ करना होगा सालू को। अगर रेड में पॉइंट चाहिए तो घुस के टच पॉइंट का प्रयास करना होगा, तभी कुछ कमाल हो सकता है इस रेड में। संभवतः काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है और बिहार को लगता है कि हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस मुकाबले में कुछ ही समय का खेल शेष है, औपचारिकता ही बाकी रह गई है, और गोवा के डिफेंस काफ़ी संयम के साथ खेलते हुए, रेडर और डिफेंडर दोनों ही। तो हम अपने साथी से बात करना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि अभी भी वापसी कर सकती है बिहार या नहीं? जी, अगर बिहार चाहे तो वापसी कर सकती है, लेकिन उनको मल्टी रेड पॉइंट करनी ही होगी। यहाँ पे 13-35 का स्कोर है, 22 अंकों का लीड बना हुआ है, और समय भी बहुत तेज़ी से कह सकते हैं बिहार के लिए तो तेज़ी ही है, ख़त्म होते जा रहा है 20 मिनट से, अब लगभग मुझे लग रहा है 10 मिनट बचे होंगे। अगर वो मल्टी रेड पॉइंट करते हैं, तीन चार अंक लाते हैं तो वो लीड तोड़ सकती है, और यहाँ पे 13-35 का स्कोर है, और उनके पास, बिहार के पास अभी खोने के लिए वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि लीड तो हो चुकी है गोवा के पास। तो आप खुल के अपना गेम दिखाइएगा तो शायद अंक आपको मिल जाए। आप प्रेशर अगर लेकर के खेलिएगा तो आप फिर ये लीड को नहीं तोड़ सकते, आपको प्रेशर को हटाना होगा। और यहाँ पे 4 नंबर के जर्सी जो है, देखिए क्या मैं बोलूँ, 4 नंबर के जर्सी में श्रुति गोवा की तरफ से कितना आसानी से 2 अंक प्राप्त कर लिए। यहाँ गलती पे गलती बिहार की टीम करते जा रही है, उनको मुझे लग रहा है बहुत ही पछतावा होगा आज रात को जब वो यहाँ से जाएगी कि कितने छोटी छोटी गलती उन्होंने किया और यह गेम को लॉस कर गया। यहाँ पे रेडिंग डिपार्टमेंट भी उनका बहुत ही ज़्यादा खास नहीं करके दिखा पा रहा है, टैकल पे टैकल वो खाते जा रहे हैं, और गोवा का स्कोर इसी तरीका से बढ़ते जा रहा है, 13-39 का स्कोर हो चुका है। और 2 नंबर के जर्सी में रिया जो वो हैं टाइम को किल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ी वो लीड लेकर के बैठी हुई है, वो सिर्फ किसी तरह से वो मैच अब ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो आसानी से जा सके। और वही यहाँ पे बिहार के तरफ से रेड करने के लिए आए हुए 3 नंबर के जर्सी में श्रेया, क्या वो कुछ ऐसा कारनामा करके दिखा पाएंगे जिससे कि उनका टीम कमबैक कर पाए।
लेकिन नहीं, वो एम्प्टी रेड कर करके वापस अपने पाले में चले गए। शायद डू और डाई पे खेलने का प्रयास है उनका। और यहाँ फिर से गोवा के स्टार रेडर कह सकते हैं आप, रिया दो नंबर के जर्सी में आए हुए रेड करने के लिए। सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है। जब तीन या तीन से कम लोग रहते हैं कोर्ट में तो यहाँ पे सुपर टैकल आपको माना जाता है। अगर वो कैच बनाते हैं तो दो अंक आपको मिलेंगे, एक अंक एक्स्ट्रा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दो नंबर के जर्सी में रिया जो वो ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो डू और डाई पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, अंतिम 5 मिनट की पुकार हो चुकी है अंपायर के द्वारा और यहाँ 3 नंबर के जर्सी में श्रेया आए हुए हैं रेड करने के लिए। वो प्रयास कर रहे हैं किसी तरीका से वो अंक अपने टीम के लिए हासिल करे, लेकिन वो असफल हैं क्योंकि यहाँ डिफेंस जो है दीवार बन के खड़ी है बिहार के लिए। और यहाँ 4 नंबर के जर्सी में रेड करने आए हुए गोवा के तरफ से श्रुति, उनका यहाँ थर्ड रेड में आए हुए। यहाँ तो बिहार को 2 अंक मिलेगा या तो गोवा को 1 अंक मिल सकता है, या वो जितना ले जाए उतना अंक उनको मिलेगा ज़रूर। और यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैच, माफ़ कीजिएगा टच, बहुत ही अच्छा टच यहाँ था, किक उठाया गया। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा किक उठाया गया था, क्या वो वहाँ कनेक्ट हुआ था किक, देखते हैं। आगे से जब वो कॉर्नर आए तो वहाँ स्केपिंग स्किल भी यहाँ पे देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया। कितने अंक मिलेंगे देखते हैं आज। जी हाँ, 2 अंक मिला यहाँ पे गोवा को। इसी के साथ स्कोर जो है 13-41 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत ही बड़ी लीड। अब गोवा मैं क्या ही बोलूँ, ये लगातार तीसरा ऑल आउट देते हुए बिहार को। गोवा के डिफेंस जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ दिखा रहे हैं। रेडिंग डिपार्टमेंट भी देखा जाए तो प्रिया पायल हो गया, रिया हो गई, साथ ही साथ सरिता हो गई, ये सब बहुत ही अच्छा रेड में करके दिखा रहे हैं। और डिफेंस में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनका गोवा का हमें देखने को मिला है। लेकिन बिहार, आपको कुछ अब अलग ही करना होगा। अंतिम 4 मिनट का पुकार हो चुका है, 4 मिनट में आप लीड को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन कुछ ऐसा करें कि लीड कम हो जाए, कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं, मल्टी रेड पॉइंट करके दिखाएं, कुछ मैजिक्स रेड हमें करके दिखाएं। क्या लगता है विवेक जी, कुछ ये जो स्कोर है कुछ कम, वैसे तोड़ा तो नहीं जा सकता लेकिन कुछ कम हो सकता है क्या, ऐसा सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर बना सकती है क्या बिहार? जी बिल्कुल कम तो हो सकता है, लेकिन जो गलती की यह बिहार टीम पिछले कुछ समय में, उस चीज़ से बचना होगा और उनके रेडर को मल्टीपल पॉइंट्स लाना होगा, तो कुछ स्कोर में इजाफा हो सकता है, नहीं तो संभवतः वन साइडेड ये मुकाबला जीतेगी। और कुछ ही समय का खेल शेष हो बच चुका है और अंपायर के द्वारा कॉल हो चुका है लास्ट 4 मिनट टू गो का, और देखते हैं क्या कुछ होता है। और इसी मुकाबले में गोवा ने आसानी के साथ, अगर मुकाबला गोवा जीती है तब पूल की विनर होती है। और अंतिम 3 मिनट का मुकाबला शेष, बिल्कुल बिहार के जर्सी नंबर 6 एक बार रेड का जिम्मा लेके निकल चुकी है, नाम है अनुष्का। और यहाँ पे टच का प्रयास, बिल्कुल शानदार टच लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर और शिकार बनाया लेफ्ट कॉर्नर को। और फिर से कप्तान अपने ऊपर जिम्मा लेके चलते हुए गोवा के स्टार रेडर जर्सी नंबर 1 पायल। पिछले कुछ मैच में इनका प्रदर्शन काफ़ी कमाल रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। और बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने समय व्यतीत करने का उनका प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल आसानी के साथ डिफेंडर के नाक के नीचे से बोनस का प्रयास। और इसी के साथ लास्ट 2 मिनट टू कॉल, स्कोर कार्ड पे नज़र डाले एक बार तो स्कोर कार्ड का स्कोर हो चुका है 14 और 46 गोवा और 14 बिहार, 14 और 46 का स्कोर। और इसी के साथ एक पॉइंट और बिहार के खाते में जुड़ता हुआ 15 और 46। क्या ये गोवा के 7 नंबर जर्सी में रेंजर क्या कुछ कमाल करते हैं, या टैकल होगा बिहार के डिफेंस के द्वारा? और यहाँ पे शानदार टैकल राइज कॉर्नर मनी कुमारी के द्वारा। यही चीज़ आपको फर्स्ट हाफ में करना चाहिए था, तो आज अभी मैच का स्कोर कुछ और ही रहता। और स्कोर हो चुका है 16-46। जी यहाँ पे धर दबोचा गया सपना को, सपना का यहाँ पे रेड में सपना चकना चूर कर दिया गया गोवा के डिफेंस के द्वारा।
और ये है जर्सी नंबर 9 गोवा के नीलम। क्या कुछ करती है छोटे छोटे फुटवर्क के साथ सबलिंग करती हुई। और महज इस मुकाबले में औपचारिकता ही बाकी रह गई है क्योंकि गोवा ने इस मुकाबले में जीत दर्ज कर चुका है और कुछ ही समय का खेल शेष है, महज औपचारिकता ही बाकी है। तो देखना होगा कितनी रेड होती है और शायद संभवतः मुकाबला समाप्त। और आसानी के साथ गोवा ने एक तरफा जीत दर्ज किया। यहाँ पे बिहार बनाम गोवा का मैच चलता हुआ और गोवा पूल जी का विनर होता हुआ और रनर बिहार। और फिर कल प्री क्वार्टर में मैच होगा गोवा या और बिहार का, तो आप देख सकते हैं अलग अलग टीम के साथ। तो इसको तो फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में, तब तक आप लाइव में बने रहें।